हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट करते हो कि बच्चों के टिफिन से रिलेटेड कुछ आइडियाज़ शेयर करो, तो आज कुछ ऐसी ही रेसिपी लाए हैं आपके लिए जो बनाना बहुत ही सिंपल है, बच्चों को बहुत यमी भी लगता है। तो पहले रेसिपी देख लीजिए और बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे। तो इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हमने लिया है एक आलू जिसको हमने बॉईल किया, उसके बाद अच्छे तरीके से मैश कर लिया। ये हमने घी लिया है, यहाँ पे हमने धनिया पत्ता लिया है। ब्रेड हम लेंगे 100% होल व्हीट ब्राउन ब्रेड, और मसालों में हमने लिया है काली मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा हमने आमचूर लिया है। आमचूर से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट अगेन ये टोटली अवॉइडेबल है। अगर आप ना यूज़ करना चाहो तो उसके बिना भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हमने मिक्सिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। हमने धनिया डाल दिया है, अब हम अपने मसाले भी डाल रहे हैं। तो ये हमने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, ये काली मिर्च पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर, और ये हमने आमचूर डाल दिया है। आमचूर हम आलू के पराठों में भी यूज़ करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और हाथ अपने वॉश कर लीजिए, उसके बाद आप इसे अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लीजिए। ये आपका जो बैटर है सैंडविच का, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बड़ों के लिए अगर आप ये सेम चीज़ बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ी सी रेड चिली भी डाल सकते हैं, बट अगेन दैट्स अ चॉइस। और गाइज, इसी स्टेज पे थोड़ा सा चख के देख लो अपने बैटर को कि अगर नमक वगैरह सब ठीक है। जैसे हमने थोड़ा सा चख के देखा, हमें लगा नमक थोड़ा और डाल सकता है, तो ये सही स्टेज है किसी भी चीज़ को एडजस्ट करने की। सो गाइज, अब हमने अपना ब्रेड ले लिया और ब्रेड में हम बैटर को भरना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम ब्रेड पे अभी सीधा ही बैटर लगा रहे हैं, अभी हमने इस पर कुछ भी और नहीं लगाया। मेरा सजेशन ये है कि जब बच्चों के लिए बनाओ तो बैटर थोड़ा कम लगाओ। होता क्या है कि बैटर अगर बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चों के मुंह में ज़्यादा आलू आलू आता है, जिसकी वजह से शायद उनको ये सैंडविच अच्छा नहीं लगता, वो निकाल देते हैं। एटलीस्ट कबीर के साथ तो ऐसे होता है, बट जब हम कम बैटर लगा के उसे देते हैं तो वो खा लेता है। तो आप ये देख सकते हो कि मिनिमल ही बैटर लगाया है, और आलू अपने आप में ही एक काफ़ी रिच फूड है व्हेन इट कम्स टू फैट आल्सो अलोंग विद स्टार्च एंड फाइबर, तो आपको ये अच्छे रिजल्ट्स कम बैटर में भी दे देगा। तो हम यहाँ पे दो पीसेस में सैंडविच अभी रेडी कर रहे हैं, बिकॉज़ हम सैंडविच को आपको दो तरीके से बना के दिखाएंगे। एक हम तवे पे बनाएंगे और दूसरा हम सैंडविच मेकर में बनाएंगे, तो इसीलिए आपको दो अलग अलग स्टाइल से बनाना दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, एक ही ब्रेड पे अगेन एक सेम यूनिफॉर्मिटी के साथ हमने बैटर लगा लिया, स्प्रेड कर लिया अच्छे से, और उसके बाद दूसरा पीस ऑफ ब्रेड उसके ऊपर रख दिया। तो गाइस, पहला सैंडविच हम सैंडविच मेकर में डालेंगे। यहाँ पे ब्रश की हेल्प से हम घी को जो है इवनली स्प्रेड कर रहे हैं सैंडविच मेकर की एक साइड पे। हम यहाँ पे घी यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट हम घी इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बच्चों के लिए घी बहुत ही अच्छा होता है। ये हमने हाफ साइड पर ही लगाया है, अगर आप दो सैंडविच बना रहे होते तो आप दोनों साइड पर लगा देते। और ये आपने अपना सैंडविच जो है वो ऐसे के ऐसे यहाँ पर रख दिया, और इसकी ऊपर वाली साइड पे भी घी लगा दिया, ताकि नीचे वाली साइड पे भी घी मिल जाएगा ब्रेड को और ऊपर वाली साइड पे भी घी मिल जाएगा, तो अच्छे तरीके से ब्रेड जो है वो आपकी सिक जाएगी। तो ये हमने लगा दिया घी, अब हम कर देंगे सैंडविच मेकर को बंद। तो ये हमने सैंडविच मेकर को बंद कर दिया, सैंडविच मेकर को ऑन कर दिया, एंड अब हम इसको बनने का वेट करते हैं। जब तक हमारा यहाँ पे सैंडविच रेडी हो रहा है, हम अपना तवे वाला सैंडविच देख लेते हैं। ये हमने तवे को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था, अगेन ब्रश की मदद से हम घी ही स्प्रेड कर रहे हैं तवे के ऊपर भी, एंड सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम आपको दोनों तरीके इसलिए दिखा रहे हैं बिकॉज काफ़ी लोग सैंडविच मेकर यूज़ नहीं करते, तो अगर आप नहीं करते तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं, तवे पे भी ये उतना ही टेस्टी बनता है। सेम प्रोसेस के साथ ऊपर वाली साइड पे भी आप घी लगा दीजिए, जेनरस क्वांटिटी में घी लगाइए। घी बहुत ही हेल्दी फैट होता है बच्चों के लिए, तो अगर वो ज़्यादा घी भी खा रहे हैं तो इसमें एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम रखा हुआ है और थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर लेंगे। ओके, अब एक बार साइड को पलट के देख लेते हैं। अभी हमारी साइड्स जो हैं वो गोल्डन ब्राउन नहीं हुई हैं, तो अभी इसको और बनने देते हैं। साइमल्टेनियसली आप देख सकते हो हमारा सैंडविच मेकर भी अभी ऑन है, तो ये भी अभी नहीं हुआ है, तो दोनों सैंडविच फटाफट साइड बाय साइड बन रहे हैं। आपको लग रहा है कि और घी की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली यहाँ पर और घी ऐड कर दीजिए। बीच बीच में सैंडविच को आप प्रेस करते रहिए, और आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से आलू जो है वो इवनली स्प्रेड हुआ है, बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है जब हम प्रेस भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको लगाना है। अब एक बार से पलट के देख लेते हैं, और ये देखिए गाइस, प्रॉपर जो कलर होता है गोल्डन ब्राउन कलर, वो यहाँ पे आ गया है।
तो प्रेस करने के साथ साथ इस साइड को भी पलट लेते हैं और ये हमारी दूसरी साइड भी अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो तवे में भी ये सैंडविच बहुत अच्छा लगता है एंड ये हमारा सैंडविच रेडी हो गया। तो ये हमारा तवे वाला सैंडविच है और टोस्टर भी हमारा ऑफ हो गया है, तो इसको अब ओपन कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल एक ग्रिल्ड सैंडविच की तरह ये वाला सैंडविच भी हमारा जो है रेडी हो चुका है। एंड ये दो अलग अलग तरह से सिर्फ दिखने वाले बट अंदर से बिल्कुल सेम पोटैटो सैंडविचेस जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इसके साथ आप सॉस डाल लीजिए, हरी चटनी डाल लीजिए, मेयोनीज डाल लीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। साथ में आप चाय ले सकते हैं और बच्चों को दे रहे हैं तो साथ में जूस, साथ में फ्रूट्स दे सकते हैं, उनको ये बहुत डिलिशियस लगेगा। सो गाइस, कबीर ने तो फटाफट ये सैंडविच खा लिया, हम लोगों ने भी इसे बहुत इंजॉय किया। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी आप इसे ट्राई कीजिए। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी है ये 2 साल से ऊपर के बच्चे आराम से खा लेते हैं, बहुत अच्छा फिंगर फूड भी है ये। बच्चे के हाथ में सैंडविच दे दो वो आराम से खाता है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगी, क्योंकि हम यहाँ पे ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ब्रेड नहीं देनी चाहिए, तो अगर आप हफ्ते में 1 बार 2 बार बच्चों को ये बना के दे रहे हो तो एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कई बार देखोगे जो स्कूल के टिफिन होते हैं उसमें जनरली ब्रेड बेस्ड रेसिपीज़ जो हैं मॉम्स देती हैं, तो हफ्ते में 1 बार आप ये आराम से बच्चों को दे सकते हो। साइड में मैंने आपको जैसे दिखाया चटनी, सॉस, मेयोनीज, कुछ भी अच्छा लग सकता है। बच्चों को जब आप टिफ़िन में इसे देते हो तो साइड में आप कोई फ्रूट डाल सकते हो, वो भी बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा इसके साथ खा लेना, तो एक पूरा कॉम्बिनेशन हो जाता है। डोंट रिस्ट्रिक्टेड टू बच्चे ओनली, अपने लंच बॉक्सेस में, अपने हस्बैंड्स के लंच बॉक्सेस में, शाम को इवनिंग स्नैक्स में, कभी ब्रेकफास्ट में, हर टाइम पे आप ये रेसिपी जो है क्विकली ट्राई करके अपनी पूरी फैमिली को खुश कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कॉमेंट एंड लेट मी नो जब आपने ये बनाया तो फैमिली का रिएक्शन क्या था।